गुड मॉर्निंग माई डियर फ्रेंड्स गाइज स्टूडेंट्स पेरेंट्स और टीचर्स एंड ऑल माई बडीज. सो हाउ आर यू ऑल? होप एवरी वन इज फाइन, स्टेइंग होम, स्टेइंग सेफ इन द लॉकडाउन पीरियड. होप एवरीथिंग इज इन नाइस कंडीशन. सो लेट्स स्टार्ट आर एबेकस. टुडे वी आर गोइंग टू कंडक्ट आर होमवर्क. ओके, सेकेंड लेसन होमवर्क. सो इट्स मॉर्निंग एंड रेनिंग. क्विट आर ए बुक. लेट्स ओपन अप आवर एबेकस एंड लेट्स स्टार्ट. चलो शुरू करते हैं. या हमारी पेंसिल हो गई या अबैकस हो गया. ओके, शायद इरेजर की ज़रूरत पड़ेगी. चलो, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लेसन वन. उसमें हमने सॉन्ग्स ये वो फिफ्थ डीजे नीचे के फोर डीजे इधर का टेंस डीजे ये पढ़ा था. और स्पीड राइटिंग की मैंने आपको बताया था कि ये वाला पेज राइट हैंड से ये लेफ्ट हैंड से आपकी स्पीड काउंट कर सकते हैं आप. ओके, हमने रिकॉल भी किया था बहुत. और ये हमारा सेकेंड लेसन का क्लास वर्क पिछली क्लास में हो गया था. ओके, अच्छा तो चलो हम हमारा होमवर्क स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे देखिए, अब ये आपको तो मैंने बताया था. ये देखिए, यहाँ पे डॉट है, मतलब ये सेवन हो गया. ये वापस से कर दिया, मतलब माइनस सेवन हो गया. ये प्लस सेवन हो गया, माइनस सिक्स कर दिया यहाँ पे ऐसे स्निप फिंगर और थम्स फिंगर ने. तो फिर बचा कितना, वन. तो चलो नेक्स्ट रो स्टार्ट करते हैं. ऑलवेज कीप योर अबैकस ऑन टॉप, होल्ड इट फ्रॉम लेफ्ट हैंड. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे 5 1 2 -3, 5 1 2 -3 के बजे 5. रुको, हमने आज स्टॉपवॉच भी ले रखी है. यहाँ पे हम स्टॉपवॉच को रख देंगे जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं. ओके, तो चलो स्टॉपवॉच से भी कर लेते हैं. तो चलो अब हम जैसे ही ये बटन दबाएंगे हम स्टार्ट कर लेंगे. ओके, 1 2 3 स्टार्ट. 5 + 1 + 2 - 3 कितने होते हैं, 5 5. 4 + 5 - 3 + 1 कितने होते हैं, 7. 3 5 - 1 - 1 कितने होते हैं, 6. 1 2 5 - 1 कितने हो गए, 7. 5 3 1 - 3 कितने हो गए, 6. 1 5 - 1 + 3 कितने हो गए, 8. 5 4 - 2 + 2 कितने हो गए, 9. 1 1 5 - 5 + 5 कितने हो गए, 6. 5 2 1 - 1 9. 5 3 - 5 + 5 कितने हो गए, 8. चलो जल्दी से स्टॉप करते हैं हमारा. तो ये देखिए 52 सेकंड्स में हमने ये कवर अप कर लिया है. 5 मिनट दिया है टाइम, हमारा जल्दी कवर हो गया. ओके, अगर आप ऐसी स्पीड चाहते हैं तो रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूरी है. ओके, अब देखिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके आप घर पे भी कर सकते हो. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. 1 2 ओके, यहाँ पे सब रीसेट तो कर लूँ. ओके हाँ, तो चलो हम जैसे ये वाला दबाएंगे स्टार्ट हो जाएगा. ओके, 1 2 3 स्टार्ट. 6 + 2 + 1 - 3 कितने, 6. 1 7 - 2 + 1 - 7. 6 - 5 + 3 + 5 - 9. 4 5 - 2 + 2 कितने, 9. 7 + 2 - 6 + 1 - 4. 9 - 5 - 2 + 6 कितने होते हैं, 8. 8 - 7 + 3 + 5 - 9. 9 - 8 + 1 + 2 कितने होते हैं, 4. 6 + 3 - 9 + 7 कितने होते हैं, 7. 7 + 2 - 3 + 1 कितने होते हैं, 7. लिख लेते हैं. तो अभी हमारा टाइम 47 हो गया है. ओके, वापस रिस्टार्ट कर लेते हैं. चलो ये स्टार्ट करते हैं. 0 हमारी, 1 2 3. ओ यहाँ पे अब 2 डिजिट्स हैं. ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे यूनिट बताया था 10, 100 एंड ऑल. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 स्टार्ट. 77 - 6 + 8 - 9 70. 44 + 5 - 7 + 6 कितने हो गए, 48. 55 + 3 - 8 + 9 कितने हो गए, 59. 62 + 7 - 5 - 1 63. 11 5 - 6 + 9 19. 38 1 - 7 + 5 कितने हो गए, 37. 29 - 8 + 6 - 5 22. 53 5 - 7 + 1 52. 86 + 3 - 8 + 2 83. 99 - 6 5 - 3 95. यहाँ पे हमारे करीब करीब 1 मिनट तो हो चुके हैं. ओके, तो चलो इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं. हम हमारा नेक्स्ट पेज स्टार्ट कर लेते हैं. ओके, तो ये देखिए यहाँ पे क्विज दिया है थोड़ा पार. तो चलो हम क्विज सॉल्व करते हैं. अ फिंगर इज यूज्ड टू ऐड लेस. रुको मैं एंगल सेट कर लूँ. अ फिंगर इज यूज्ड टू ऐड एल लेस 5. मतलब ये देखिए, हम ये एडेड 5 है उसको हम लेस कौन सी फिंगर से करते हैं. ये स्नेक फिंगर है, स्नेक बाइट और ये थम्स अप है. ओके, तो हम स्नेक फिंगर से माइनस करते हैं और ऐड करते हैं. ऐड भी करते हैं, माइनस भी करते हैं. ओके, तो यहाँ पे वही पूछा है किस फिंगर से करते हैं, स्नेक फिंगर से. मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है पर आप समझ लिए. हैंड इज यूज टू होल्ड द एबेकस. कौन सी हैंड से होल्ड करते हैं हम, लेफ्ट. ओके, लेफ्ट. एक्सरसाइज हेल्प्स टू एक्टिवेट योर बॉडी. एबेकस में हम ब्रेन जिम भी करते हैं. ब्रेन जिम मतलब एक्सरसाइज का ही पार्ट है. तो
प्रिंटिंग कर लेते हैं हम उसके भी थोड़े फार मतलब कैसे वीडियोस डालेंगे प्रिंटिंग के ओके आने वाली क्लासेस में ओके चलो नेक्स्ट हैंड इज यूज्ड टू मूव द बीड्स ऑन द यूनिट रॉड पे कौन से मतलब कौन से हैंड से हम बीड अप डाउन करते हैं राइट हैंड से आप स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके वीडियो आप आंसर डिसाइड कर लीजिए बाद में मैं मेरा आंसर बताने के बाद आपका कितना करेक्ट है उतना आप देख लीजिए ओके डायरेक्ट बिफोर स्टार्टिंग द सम हम एबेकस को क्या करते हैं जिससे हम अगला सम स्टार्ट करते हैं ये क्या है ये जूम ओके जूम मतलब ऑल क्लियर फिंगर इज यूज टू ऐड द लोअर बीड ऑन द यूनिट रॉड मतलब लोअर बीड कौन सी फिंगर से हम ऐड करते हैं हम तो ओके चलो ये तो हो गया हमारा अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एरो इधर टाइमिंग है 5 मिनट्स हम स्टार्ट करते हैं 1 2 यहाँ पे देखो 2 डिजिट ही है वापस से 1 2 3 रुको जूम 1 2 3 स्टार्ट 11 7 1 माइनस 3 16 23 5 माइनस 6 प्लस 1 23 38 माइनस 7 5 माइनस 1 35 55 प्लस 1 प्लस 3 माइनस 1 58 16 प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3 10 अब नेक्स्ट सम 48 प्लस 1 माइनस 7 प्लस 2 44 59 माइनस 4 प्लस 2 प्लस 2 59 27 प्लस 2 माइनस 8 प्लस 5 26 33 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 1 33 57 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 5 53 ओके तो चलो स्टॉप करके देख लेते हैं हमारा 50 सेकंड्स हो गया ओके 50.5 मतलब 51 पकड़ लो ओके अब क्लियर करके हम भी रो स्टार्ट करते हैं चलो 1 2 3 प्लस 3 माइनस 5 53 ओके तो चलो स्टॉप करके देख लेते हैं हमारा 50 सेकंड्स हो गया ओके 50.5 मतलब 51 पकड़ लो ओके अब क्लियर करके हम भी रो स्टार्ट करते हैं चलो 1 2 3 8 प्लस 50 प्लस 1 माइनस 3 56 2 प्लस 36 माइनस 5 प्लस 1 34 7 11 माइनस 6 प्लस 5 17 4 25 माइनस 8 प्लस 2 23 6 33 माइनस 9 प्लस 1 31 155 प्लस 2 माइनus 6 52 3 प्लस 66 माइनस 7 प्लस 5 67 8 प्लस 21 माइनस 4 प्लस 2 27 572 माइनस 6 प्लस 7 78 980 माइनस 5 माइनस 1 83 तो यहाँ पे हमारा 54 सेकेंड्स हो गया है तो चलो नेक्स्ट रो सीरो है और ये हम स्टार्ट करते हैं जूम करके स्टार्ट करेंगे 1 2 3 स्टार्ट 11 8 माइनस 7 प्लस 20 32 33 5 1 60 45 8 4 माइनस 2 3 माइनस 15 38 95 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 20 113 77 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 11 65 22 5 माइनस 1 60 86 88 माइनस 7 माइनस 6 प्लस 88 माइनस 7 प्लस 6 माइनस 35 52 74 प्लस 5 माइनस 9 माइनस 50 20 66 प्लस 3 माइनस 8 प्लस 20 81 55 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 45 96 चलो पॉज करके देख लेते हैं कितने 46 मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है क्या पता कम नहीं हो सकता क्या पता एक दफ़ा स्पीड बढ़ गई हो तो कम भी हो सकता है यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है क्विजी है मैन द फॉलोइंग्स का तो चलो स्टार्ट करते हैं ये ब्रेन जिम से हमें क्या होता है ब्रेन जिम से हमें एक्टिवेट्स ब्रेन मतलब ब्रेन जिम से हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है कितने नंबर का है 4 नंबर का है और जूम से क्या होता है 0 मतलब सारे के सारे नंबर 0 आ जाते हैं ओके और पॉजिटिव पॉइंट से हमें क्या होता है क्विक रिकॉल होता है ओके सेकंड क्विक रिकॉल होता है हमें और लेफ्ट हैंड से क्या होता है लेफ्ट हैंड से हम कौन सा बीड ऑपरेट करते हैं टेंस रॉड ऑपरेट करते हैं मतलब इसका हो गया 1 और लेजी थंब ये क्या है ये मुझे भी नहीं पता पर लेजी थंब मतलब ये है उससे हम नीचे के बीड्स ऐड करते हैं ओके ऐड मतलब यहाँ पे 7 6 मतलब स्नेक मतलब ऐड और सब्सट्रैक्ट पाए मतलब यहाँ पे स्नेक फिंगर से हम ऐड और सब्सट्रैक्ट पाए कर लेते हैं मतलब ये 8 हो गया ऐड 6 मतलब अब होगा टुगेदर मूवमेंट होगा ये ड्रिंकिंग वाटर से हमें क्या होता है एनर्जाइज होते हैं हम ओके और फिर बाद में थिंकिंग कैप करने से क्या होता है थिंकिंग कैप करने से बिफोर डिक्टेशन हम थिंकिंग कैप करते हैं मतलब इसका हो गया 5 अब चलो हमारा क्विज तो हो चुका है हम एरो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम टाइमर फिक्स कर लेते हैं ओके अब 1 2 3 स्टार्ट 10 2 1 1 14 23 5 1 माइनस 5 24 51 5 2 1 59 45 3 माइनस 5 प्लस 6 49 18 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 7 10 55 1 2 माइनस 5 53 67 2 माइनस 6 प्लस 5 68
36 minus 5 plus 7 plus 1, 39. 79 minus 8 plus 6 minus 5, 72. 53 plus 6 minus 7 plus 1, 53. चलो देख लेते हैं, हाँ 56 सेकेंड्स हो चुके हैं हमारे। इसको हम वापस से स्टार्ट करके हम अगली रो मतलब बी रो हमारी स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, स्टार्ट। 52 प्लस 160 माइनस 564, 45 प्लस माइनस 251, 97, 67 प्लस 2 माइनस 8 प्लस 13, 74, 21, 7 माइनस 6 प्लस 22, 54, 56, 3 माइनस 9 प्लस 17, 67, 32 प्लस 5 माइनस 5, 51, 83, 28 माइनus 7 प्लस 56 प्लस 2, 79, 64 माइनस 3 प्लस 38 माइनस 9, 90, 12, 165 minus 5, 73, 74 minus 3, 26 plus 1, 98. तो हमारा यहाँ पे 54 सेकेंड्स हो चुका है, इसको हम वापस से और हमारी सी ओ स्टार्ट करते हैं। चलो 1, 2, 3, स्टार्ट। 13, 650 minus 7, 256 minus 3 plus 3, minus 55, 3. 81, 7 minus 26, 157, 72, 6, 1 minus 69, 10. 43, 5 minus 7 plus 56, 97, 92, 5, 6, 1, minus 5, 31, 18, 9 minus 8 plus 3 minus 72, 12, 16 minus 5 plus 2 plus 81, 94, 78 plus 1 minus 55 minus 2, 22, 64 plus 5 minus 19 plus 7, 57, 5, time stop kar liya tha. यहाँ पे हमारा गलती से टाइम रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो होप करता हूँ 5 मिनट के अंदर मतलब 1 मिनट के अंदर ही हो चुका होगा ये सारी के सारी रो। तो यहाँ पे हमारा सारा होमवर्क हो चुका है, हमारा होमवर्क हो चुका है, बहुत खुशी हो रही है हमें। ओके, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देख लीजिए, स्टार्टिंग से देखने के बाद सब रिकॉल कर लीजिए, रिकॉल करने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो इतना ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स कि है ना मेरी वीडियो में दो दिन में एक बार डालता हूँ, मतलब दो दिन की मेहनत है मेरी एक वीडियो में, तो आप समझ सकते हैं आपको दो सेकंड भी नहीं लगते हैं किसी को खुश करने के लिए। सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, कमेंट कर लीजिए, लाइक अगर नहीं करना है तो कमेंट कर लीजिए क्योंकि मुझे पता चल जाएगा मेरी क्या मिस्टेक्स हो रही है। ओके, तो थैंक यू, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी थर्ड लेसन। ओके, थैंक यू।